वेलकम टू माय चैनल दाकू खास। तो आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। उसके लिए हमने ये लौकी ली है, एक मतलब आधा किलो है 500 ग्राम। तो इसको मैंने छील कर कद्दूकस कर लिया है। तो इसमें ऐड कर देंगे हम एक बाउल बेसन। ये हमारी छोटी वाली कटोरी है। अगर आप लोगों को कम ज़्यादा लगे जैसा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। तो इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर था ये डाले। अब हम आधा चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ जो हमने पीस के रख लिया था पहले ही। तो इन सब चीज़ों को करेंगे हम मिक्स, हाथों से ही करेंगे, स्पून से नहीं हो पाएगा सही से। इस तरीके से कर लेंगे हम। और पानी की ज़रूरत हो तो पानी ऐड कर लें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बस लौकी अपना पानी इतना छोड़ देती है तो आराम से हमारी ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो हमारा डो लगकर तैयार है इस तरीके से, लौकी या बेसन का। अब देखिए कुछ सही है, इसमें मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं ऐड की है, बस उसी से हो गया। तो हम हाथों पर लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे हमारा ये डो जो है चिपके नहीं। इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे हम इस तरीके से, और इनके अंदर हम बादाम को रखेंगे इस तरीके से बंद कर देंगे। तो सारे कोफ्ते हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। दूसरा भी हम इसी तरीके से करेंगे। गाइस बहुत टेस्टी बनते हैं, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर दें, और छोटे बड़े क्या छोटे बच्चे भी मतलब बहुत पसंद करते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं। तो वैसे लौकी बच्चे नहीं खा पाते हैं, कोफ्ते को तो बहुत ही प्यार से खाते हैं। तो मैं बस इस तरीके से बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से सारे तैयार करके फिर दिखाते हैं हम आप लोगों को। तो हमने इतने कोफ्ते बना के तैयार कर लिए हैं, इतने ये बचे हमारे, ये बाकी हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ हमने रख दी थी अपनी कढ़ाई गर्म करने के लिए। पहले ही लिया हमने सरसों का ऑयल। तो हम एक एक करके अपने कोफ्ते इस तरीके से सेक लेंगे, बड़े आराम से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो हम इनको पलट लेंगे, एक तरफ से हमारे सीख चुके हैं, दूसरी साइड से हम पलट लेंगे। देखना गाइस कितना अच्छा कलर आया है हमारे एक साइड से, उस तरीके से सीख लेंगे हम पलटते हुए। तो देखिए गाइस हमारे कोफ्ते सीख कर तैयार हैं। तो हम निकाल लेंगे अपने टिश्यू पेपर पर। तो देखिए गाइस कितने बढ़िया सीख रहे हमारे, एकदम बढ़िया। तो बाकी के कोफ्ते भी हम इस तरीके से सेक लेंगे। तो गाइस ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 टमाटर, 2 प्याज और अदरक मतलब लहसुन, अदरक और लिए 4 मिर्च। तो सभी को हमने लंबा लंबा कट कर लिया बड़े टुकड़ों में। तो कर लेंगे हम फ्राई। तो उसके लिए हमने रख दिया अपना फ्राई पैन तेल, और मतलब डाल दिया हमने तो सरसों का, उसे कर लेंगे हम फ्राई। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम 1 चम्मच जीरा। तो कोफ्ते बना रहे हैं तो हम ऐड करेंगे इसमें हींग, हींग ऑप्शनल है, जरूर फ्रेंड आप ऐड करें इसमें। और ऐड कर देंगे हम इसमें लहसुन, ऐड करेंगे हम अदरक, प्याज देंगे हम मिक्स इस तरीके से। तो ऐड कर देंगे हरी मिर्च, टमाटर, ऐड कर देंगे हम नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, उसी हिसाब से डालेंगे, ज़्यादा ना होगा बस। इस तरीके से चला लेंगे हम तो अच्छे से। इसमें ऐड कर देंगे 8-10 बादाम, यानी हम ढककर पका लेंगे थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने तक। तो हमारा मसाला बनकर तैयार है, अच्छा सा हो गया। तब तो ठंडा हो जाए फिर इसको हम बनाएंगे प्यूरी। तो हमारे ये प्याज अदरक अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इनको हम एक पेस्ट बना लेते हैं। हमने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ते, 8-10 लौंग मतलब काली मिर्च, लौंग
दालचीनी, बड़ी इलायची और 4 ली छोटी इलायची, तो इनको हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस को कम रखेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, जो भस होती है बहुत तेज, इसमें ऐड कर देंगे अपन मसाले जो हमने पीसा था, ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा पानी जिसमें मसाला मसाला लगा रह गया था, इस तरीके से कर देंगे मिक्स। ऐड करेंगे हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। ऐड करेंगे हम कसूरी मेथी, तो पका लेंगे थोड़ी देर से ढककर, तो इसमें ऐड कर देंगे मलाई, तो हमारा मसाला बनकर तैयार, तो ऐड कर देंगे उसमें कोफ्ते अपने, तो हम इन्हें पका लेंगे 8 से 10 मतलब 5 मिनट तक, और इसे लो फ्लेम पर इस तरीके से ढककर। तो देखिए गाइस हमारी यम्मी से कोफ्ते बनकर तैयार हैं, इनको 5 मिनट हो गई हैं करीब पकते हुए, इनको 2 बार मैंने बीच में चला लिया था, तो इस तरीके से अब कर देंगे गैस को ऑफ। ऐड कर देंगे इसमें धनिया पत्ती, तो देखिए गाइस हमारी यम्मी से कोफ्ते बनकर तैयार है। बताइए वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोगों को, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके से कोफ्ते बनाकर एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।